कभी लोअर ब्रैकेट देखते हैं क्या होगा यार। सो बेसिकली क्या है यार, अभी तक अभी जितना हमने देखा है, जितना स्ट्रीम पे देखा है और जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है लोअर ब्रैकेट के लिए, पॉइंट्स बहुत ऊपर है, कट ऑफ पॉइंट्स इतने नीचे है नहीं। आई थिंक 63, 64, 65 वाला भी कोई टीम है मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं है अभी के लिए, वो भी अभी के लिए लोअर ब्रैकेट में गए हैं किसी ग्रुप से। मतलब कुछ ग्रुप के कंपटीशन इतने ऊपर चले गए थे कि लोअर ब्रैकेट में जाने वाली टीम के 60 से ऊपर पॉइंट्स है। सो अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हाई है, देखते हैं जब भी सारा चेक वगैरह हो रहा है उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। गुड मॉर्निंग, गॉडलाइक का क्या सीन है भाई? गॉडलाइक का यार ऐसा सीन है कि उनके पॉइंट्स अभी के लिए थोड़े से कम है, उनसे ऊपर अभी बहुत सारी टीमें हैं, तो जब चेक्स वगैरह में अगर कोई टीम नहीं पकड़ी गई तो बहुत लाइक इम्पॉसिबल ही है, अगर चेक्स में नहीं पकड़ी गई कोई टीम्स कि वो हैकर है या नहीं है तो इम्पॉसिबल ही है, बट अगर पकड़ी गई कुछ टीम्स तो आई थिंक पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट इट्स स्टिल डिफिकल्ट। बाकी आई मीन आई हैव नो क्लू राइट नाउ कि कितने पॉइंट्स हैं बाकी टीमों के, कितना क्या चल रहा है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, जो लिस्ट आप लोग देख रहे थे अभी आजकल, एक लिस्ट चल रही है ना जहाँ पे दिखाया जा रहा है कितने इतने पॉइंट्स हैं, उसमें बहुत सारी टीम्स मिसिंग है। मतलब मैंने पर्सनली, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे टीम्स के कि हमारे इतने पॉइंट्स हैं, हमारे इतने पॉइंट्स हैं, हमारे इतने पॉइंट्स हैं, तो वो सारी टीमों के नाम उस लिस्ट में मिसिंग है। तो आप अभी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई क्वालिफाई होगा कोई नहीं होगा, बिकॉज जब तक कल रिजल्ट नहीं आता एवरी वन इज इन द डार्क। लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट का वेट करो। हाय एग्जीक्यूशन, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग।